मैम, आरू के नए कोर्स के लिए मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वैसे हमारे स्कूल के नए कोर्स के चार्जेस अदर स्कूल के मुकाबले काफी कम है। देखिए, क्लास फिफ्थ का कंप्लीट कोर्स 8,670 का है, जिसमें आपके टाई बेल्ट इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा आपको 3 महीने की फीस एडवांस देनी होगी। मैम, फीस तो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिफ्थ क्लास का कोर्स इतना महंगा? देखिए, आपको कोर्स लेना है तो बताइए, आप ऑलरेडी इतना लेट हैं। बच्चों की क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। एक्चुअली मैम, मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। तो फिर आप एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लीजिए, अगर वो कहती है तो मैं आपको कोर्स दे दूंगी। मैम, ये आरफ का कोर्स है, फोर्थ क्लास का। लास्ट ईयर मैंने इसे 6,250 रुपये में खरीदा था। आपको पता है आज एक कबाड़ी वाला इसके कितने पैसे दे रहा था? 120 रुपये। अब आप ही बताइए मैं इसका क्या करूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं भला कैसे बता सकती हूँ इसका क्या करना है? जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मैम, सबसे अच्छा तो ये होता कि इस कोर्स को कोई दूसरा बच्चा पढ़ पाता, लेकिन नहीं। प्राइवेट स्कूलों की तो पॉलिसी बन चुकी है कि हर साल नया कोर्स खरीदना ही खरीदना है। कमाल कर रहे हैं आप। बच्चा पास होकर नई क्लास में जाएगा तो नया कोर्स तो लेना ही पड़ेगा ना। हर साल सिलेबस बदलता है, बुक्स बदलती हैं। मैम, प्रॉब्लम की असली जड़ तो यही है। आखिर क्यों प्राइवेट स्कूलों में हर साल बुक्स बदली जाती हैं? क्यों बस एक या दो चैप्टर बदल कर पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो नया कोर्स खरीदे ही खरीदे? अरे क्या इन पुरानी किताबों से अगले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपको नया कोर्स लेना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, आप क्यों ही कुछ करेंगे, क्योंकि हर साल पेरेंट्स अगर नया कोर्स नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एजुकेशन जाए भाड़ में, आपको तो बस अपनी जेबें भरनी है। हम पेरेंट्स की मजबूरी आप भला क्यों समझेंगे? चल बेटा। अरे जब हैसियत नहीं है तो क्यों अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा रहे हो? किसी सस्ते या सरकारी स्कूल में डालो ना, वहां नया कोर्स भी फ्री मिलेगा और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्राइवेट स्कूल में अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब बच्चे नहीं? और ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई पेरेंट्स मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहे तो दिला नहीं सकता? क्यों उसे बोल दिया जाता है कि जाओ सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन करा? वही सरकारी स्कूल मैडम, जहाँ पढ़ा रहे टीचरों के खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। आप तो यहाँ आराम से एसी रूम में बैठे हो, आपके एक बार बैल बजाने पर पियोन आपको पानी लाकर दे देता होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं? कभी ट्यूशन फीस, कभी बिल्डिंग फीस, कभी एनुअल चार्ज, कभी स्पोर्ट्स चार्ज, और ना जाने कौन कौन से चार्जेस के नाम पर आप पैसों की उगाही करते हो। अरे आप लोगों ने तो एजुकेशन सिस्टम को सुरसा का ऐसा मुंह बना दिया है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैडम, क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब एक ही कोर्स से 3-3, 4-4 भाई बहन पढ़ लिया करते थे, और उसके बाद भी वो किताबें उठाकर पड़ोसियों को दे दी जाती थी? इससे पेरेंट्स के 4 पैसे तो बचते ही थे, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कटने से बच जाया करते थे। आप लोग बच्चों को क्लासेस में पढ़ाते हो, वातावरण बचाओ, कागजों का कम से कम यूज करो, और खुद क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ किताबें छपवा रहे हो जो सिर्फ एक ही साल चलती है। कोर्स तो खरीदना पड़ेगा मैडम, मजबूरी है, लेकिन मेरी बातों को गंभीरता से सोचिएगा जरूर, क्योंकि यहां बात एक बच्चे और उसके पेरेंट्स की नहीं, पूरे देश की है।